इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग अकाउंटेंसी की क्लास करेंगे। हम कंटिन्यू करेंगे बेटा जहां से हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था, एंड दैट वाज आवर पार्टनरशिप डील। तो सबसे पहले बेटा हम जो करेंगे वो करेंगे यूज ऑफ पार्टनरशिप डील, कि कैसे हम लोग पार्टनरशिप डील का यूज करते हैं। अब इसमें एक चीज आपको पहले भी मैंने बताया था, वो ध्यान रखना है कि जो पार्टनरशिप है इट कैन बी ओरली और रिटन। पार्टनरशिप डीड रिटन पार्टनरशिप का नाम है, मींस वी हैव ऑल द प्रोविजन रिगार्डिंग पार्टनर्स, वो रिटन में हमारे पास है, तो वी हैव टू फॉलो दैट पार्टनरशिप डीड। जैसे कि मान लीजिए लिखा है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम, राइट। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि क्या पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है या फिर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, जो ए का कैपिटल लगा है वो लगा है बेटा 5 लाख, बी का जो कैपिटल लगा है वो लगा है 3 लाख। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड है, रिमेंबर दिस थिंग, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड है, ओनली इन दैट सिचुएशन वी विल प्रोवाइड 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब है दैट फर्म विल प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए 30,000, टू बी 18,000, ए को 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और बी को 18,000। बट बेटा फिर मैं एक बात बार बार बोल रहा हूं, ये केवल तब सिचुएशंस बनती हैं व्हेन देयर इज अ पार्टनरशिप डीड इन रिटर्न अमंग द पार्टनर्स। मान लीजिए इसके बाद मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि भाई सैलरी प्रोवाइड करना है, वी हैव टू प्रोवाइड सैलरी। ए को लिखा है 60,000 पर एनम, बी को 2,000 पर मंथ। फिर बात समझिए मेरी, मैं कह रहा हूं इफ देयर इज अ पार्टनरशिप डीड, इफ देयर इज अ पार्टनरशिप डीड, तो बेटा ए को 60,000 रुपए सैलरी दी जाएगी, और बी की जो सैलरी बनेगी बेटा दैट विल बी 24,000, दैट इज 2,000 पर मंथ इंटू मे 12। अगेन फिर वही चीज है, ध्यान रखने वाली बात यह है बेटा कि इफ देयर इज अ रिटन एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड अमंग द पार्टनर्स, ओनली इन दैट सिचुएशन वी नीड टू फॉलो द पार्टनरशिप डीड एक्ट। कि पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है, अगर पार्टनरशिप डीड में बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और वो रिटन में है, ओनली इन दैट सिचुएशन वी विल प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 इस पे ए पर और 18,000 बी पर। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि भैया ए को सैलरी देना 60,000 पर एनम और बी को देना 2,000 पर मंथ, ओनली इन दैट सिचुएशन वी विल प्रोवाइड सैलरी टू ए 60,000 और सैलरी टू बी 24,000, राइट। अब दूसरी चीज, व्हेन ये समझा था बेटा व्हेन यू हैव अ पार्टनरशिप डीड, बट केस सेकंड भी हो सकता है बेटा व्हेन यू डोंट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, when there is no partnership deed or there is no written agreement among the partners, पार्टनरशिप में फर्म कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि देयर इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स और नोट। रिटन एग्रीमेंट था तो मैंने आपको बताया कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा है, हमें सैलरी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जितनी पार्टनरशिप डीड में लिखी है। बट इफ देयर इज अ नो पार्टनरशिप डीड और देयर इज अ नो रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था देन वी हैव टू यूज पार्टनरशिप एक्ट
1932. We need to use Partnership Act 1932. Partnership Act 1932 where it says, in the absence of partnership deed, no interest on capital will be provided by the firms to any partners. यानी अगर किसी partner ने कुछ पैसा capital के रूप में लगा है, तो partnership deed नहीं है, तो कोई भी firm interest on capital provide नहीं करेगी. और because firm is not providing any interest on capital, firm don't have any rights to charge interest on ROI as well as. कि अगर पार्टनरशिप डेट नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन रोइंग चार्ज नहीं होगा. इसके अलावा देयर विल बी नो रेमुनरेशंस टू एनी पार्टनर फॉर सम एक्स्ट्रा वर्क. अगर कोई पार्टनर फर्म के लिए कोई एक्स्ट्रा काम करता है और पार्टनरशिप डेट नहीं है, तो ना तो कोई फर्म किसी पार्टनर को सैलरी देगी, ना उसको किसी प्रकार का कोई कमीशन दिया जाएगा. इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन. देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक अलग चीज है और इंटरेस्ट लोन अलग चीज है. कैपिटल के अलावा अगर फर्म में पार्टनर्स ने पैसा लगाया, देन इट विल बी ट्रीटेड एज पार्टनर लोन. तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इसमें एक प्रोविजन बनाया गया है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना भी हो तो भी फर्म पार्टनर्स को 6% per annum लोन इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेगी. और इसके अलावा जो लास्ट प्रोविजन है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का बेटा, वो ये है कि प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स. राइट, तो हमें सबसे पहले बेटा चेक ये करना है कि इज देयर अ पार्टनरशिप डीड अमंग द पार्टनर्स और नॉट. मैं इसको एक एग्जांपल की हेल्प से बेटा आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं. जैसे इलस्ट्रेशन दिया है बेटा कि अम्बरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म. राइट, देयर आर थ्री पार्टनर्स. अम्बरीश, ललित एंड चारू, लिखा है दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड. अब जैसे बेटा ये मेंशन किया गया है दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, तो सबसे पहले आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उनको कंपनी एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करना है. राइट, इसका मतलब है अगर कोई पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहता है तो उसको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. अगर कोई पार्टनर किसी एक्स्ट्रा काम के लिए सैलरी चाहता है तो उसको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी. अगर कोई पार्टनर किसी प्रकार का रेमुनरेशन चाहता है तो उसको रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा. अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स लोन प्रोवाइड करना है तो रेट विल बी 6% per annum एंड इफ द प्रॉफिट will be distributed, then the profit will be distributed equally among all the partners. अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम लोगों को क्या लगता है कि मान लीजिए ए ने बहुत पैसा लगाया है, राइट, और ललित ने बहुत कम पैसा लगाया है, तो हमें लगता है कि कैपिटल के अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट बढ़ना चाहिए. बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वी नीड टू फॉलो पार्टनरशिप एक्ट 1932. आइदर अ पार्टनर हैज इन्वेस्टेड मोर कैपिटल और लेस कैपिटल, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. राइट, तो इस एग्जांपल को बेटा हम लेके देखते हैं. तो सबसे पहले अम्बरीश, ललित और चारू पार्टनर्स हैं, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड. राइट, तो वी हैव टू फॉलो पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो पहला केस इन्होंने दिया बेटा अम्बरीश हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स, कि अम्बरीश ने सबसे ज्यादा कैपिटल लगाया है. मान लीजिए यहां पे इसने लगाया बेटा 5 लाख, इन्होंने लगाया 3 लाख और इन्होंने लगाया है 2 लाख. तो अम्बरीश ये चाहता है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% per annum दिया जाए क्योंकि अम्बरीश ने सबसे ज्यादा लगाया. बट बिकॉज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड अमंग द पार्टनर्स, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड. तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है. इसके बाद बेटा सेकंड केस इन्होंने दिया है कि ललित है डिवोटेड फुल टाइम ऑन द बिजनेस, यानी कि ललित जो है फुल टाइम पार्टनर्स है और वो चाहता है कि मुझे सैलरी मिले 5000 per month. बट बिकॉज वी डोंट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, ये क्वेश्चन में पहले मेंशन कर दिया गया है, तो नो सैलरी विल बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर्स. इसके बाद अब चारू जिसने भी 50,000 रुपए फर्म को एडवांस दे रखा है एज अ लोन, वो चाहती है कि उसको 12% per annum मार्केट रेट पे इंटरेस्ट मिले. बट बेटा क्योंकि वी डोंट हैव पार्टनरशिप डीड, तो हमें जो इंटरेस्ट ऑन लोन देना है पार्टनर्स को चारों को, वो कितना देना पड़ेगा? 6% per annum. क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है
तो ये बोला गया है पार्टनरशिप एक्ट में कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ओनली 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर्स। इसके बाद बेटा अम्बरीश हैज ड्रोन 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज, यानी ड्रोइंग कि अम्बरीश ने 10,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए फर्म से निकाला है, राइट। बट बिकॉज दे डोंट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, ललित और चारू ये चाह रहे हैं कि भाई 10% हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करें, बट बिकॉज वी डोंट हैव पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड नहीं तो 5 प्रोविजन, पहला नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो सैलरी, नो कमीशन, इसके अलावा बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6% एंड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। तो अब यहां पर क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया है तो फर्म विल नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो यहां पे नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी यूज होगा। राइट, इसके अलावा बेटा हमने बोला है कि जो प्रॉफिट था ये सारी चीजें प्रोविजन से पहले वो आपका 50,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, और पार्टनर्स ये चाहते हैं, अमरीश ये चाहता है कि इस प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर ले, कैपिटल रेशियो है 5:3:2, कैपिटल रेशियो है 5:3:2, यानी जिसने ज्यादा पैसा लगाया उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिसने कम पैसा लगाया उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। बट बिकॉज वी डोंट हैव एनी पार्टनरशिप डीड अगेन, तो हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करना पड़ेगा बेटा, और उसके अकॉर्डिंगली अगर किसी देयर इज नो पार्टनरशिप डीड तो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। वन रेशो वन। तो दीज आर द प्रोविजंस विच वी नीड टू फॉलो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, राइट। अगर इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं बेटा तो इसमें क्या ट्रीटमेंट होगा, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना है बेटा, हमारे पास प्रॉफिट है 50,000, राइट। तो अगर हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें एंड इफ वी डोंट हैव एनी पार्टनरशिप डीड तो हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है बेटा दैट इज 50,000, राइट। इसमें से लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन चारू लोन, दैट इज 50,000 इंटू 6% पर एनम 3,000, राइट। तो प्रॉफिट अवेलेबल विद पार्टनर से बेटा 47,000 एंड दिस 47,000 विल बी डिवाइडेड इनटू अमरीश, ललित और चारू इन द रेशो 1:1:1, राइट। जिसका मतलब करीब करीब 15,333 रुपए, 15,667 और 15,667 66, ये अमाउंट ये लोग आपस में बांट लेंगे। फिर बता रहा हूं सबसे पहले बेटा जो प्रॉफिट था बिफोर अप्लाइंग दीज प्रोविजंस उसमें से सबसे पहले वी नीड टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा 47,000, अब ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमें इस 47,000 में से ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, ना इसके अलावा हमें किसी को सैलरी देना है, ना हमें किसी को कमीशन देना है, राइट। और उसकी वजह से हमारे पास जो प्रॉफिट बच जाएगा पार्टनर्स को बांटने के लिए बचेगा 47,000, और क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 47,000 विल बी डिवाइडेड इक्वली इन इक्वल रेशो वाला 1:1:1, यानी इसका 1/3 मिलेगा ए को यानी अमरीश को, 1/3 मिलेगा ललित को और 1/3 मिलेगा चारू। तो दिस इज हाउ वी ट्रीट व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, राइट। आई होप बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। बाकी इसकी जो असाइनमेंट है मैं आपको भेज दूंगा, आप खुद करके देखेंगे तो शायद आपको और चीज, राइट। इसके बाद हमें बात करनी है बेटा प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, राइट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए बेटा जब हम पार्टनरशिप में अकाउंट्स बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाते थे, यानी सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज करेंगे, उसके बाद हम लेजर्स बनाएंगे, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस,
और बैलेंस शीट। बट अच्छी बात यह बेटा कि 12th क्लास में हमें ये बनाने नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस से जो नेट प्रॉफिट होगा दैट इज अवेलेबल विद द फर्म्स, हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा उसके दो हिस्से हो सकते हैं, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहला पार्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरा जो है बेटा है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा वो खर्चे जो फर्म को पे करने ही पड़ेंगे, आइदर फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट और नॉट, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, ये सब हमें पे करने ही पड़ेंगे, और ये सब बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाते हैं। यानी प्रॉफिट एंड लॉस में हम जितने भी खर्चे दिखाते हैं डेबिट साइड में, दीज आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी जो हमारा सेल से जो पैसा आया, ग्रोस प्रॉफिट जो आया या हमारे पास जो प्रॉफिट बचा उसमें से वो कंपल्सरी खर्चे हैं विच वी हैव टू पे, आइदर फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट और नॉट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। अब क्योंकि हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी ये पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं कि पार्टनर्स के वो कौन से खर्चे हैं जिसको हम फर्म के लिए चार्ज मानते हैं, यानी वो खर्चे जो फर्म को पे करने ही पड़ेंगे चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर ना हो। दूसरा है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट का मतलब बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यानी ये केवल तब होता है बेटा, एप्रोप्रिएशन तब होगा जब व्हेन अ फर्म हैव अ प्रॉफिट। इन केस ऑफ लॉस वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तो हम लोग एप्रोप्रिएशन यूज नहीं करते, हम लोग केवल चार्ज करते हैं, राइट। तो सबसे पहले बेटा एक छोटा सा टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसमें डिफरेंस क्या है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जब पार्टनरशिप डीड हम लोगों के पास है तो पार्टनरशिप डीड में दो चीजें हो सकती है बेटा, एक पार्टनर रेंट, पार्टनर रेंट का मतलब क्या है, मान लीजिए देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म एंड देयर आर थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी एंड फर्म इज यूजिंग एनी वन पार्टनर प्रमाइसिस टू स्टार्ट देयर बिजनेस। किसी पार्टनर के प्रमाइसिस को अगर फर्म यूज कर रही है तो सबसे पहले फर्म को अपने प्रॉफिट में से उसमें रेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा उस पार्टनर को, एंड दैट कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज है, इसका मतलब यह है कि उस पार्टनर को रेंट मिलना ही चाहिए चाहे फर्म प्रॉफिट कमाए या फिर ना कमाए। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है अगर फर्म के पास प्रॉफिट है तो ही पार्टनर्स को पार्टनरशिप डीड के जो प्रोविजन है, मान लीजिए लिखा है कि किसी पार्टनर को सैलरी देना है तो वो तभी दे पाएगी जब फर्म को प्रॉफिट होगा, अदरवाइज पार्टनर्स को सैलरी देने की आवश्यकता नहीं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है बेटा वो है नेचर, नेचर में सबसे पहले बेटा जो चार्ज है इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट, द रेवेन्यू, तो जो चार्ज है बेटा वो रेवेन्यू में से हमें डिडक्ट करने हैं। रेवेन्यू में से डिडक्ट करने का मतलब क्या है, प्रॉफिट में से डिडक्ट करने हैं या रेवेन्यू में से डिडक्ट करने हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, यानी सेल्स में से जो खर्चे सबसे पहले घटाए जाते हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो हमें पे करने ही पड़ेंगे चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, दैट इज कॉल्ड चार्ज, राइट। दूसरा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जैसे मैंने पहले बताया इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, अमंग द पार्टनर्स, राइट। सेकेंड पॉइंट बेटा, सेकेंड जो पॉइंट है बेटा दैट इज रिकॉर्डिंग,
कि हम इनको रिकॉर्ड कहां करते हैं, रिकॉर्डिंग कहां होगा। तो सबसे पहले जो चार्ज है बेटा, इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चार्ज विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है उसके लिए बेटा हम एक अलग अकाउंट बनाने, और पार्टनरशिप में केवल वही एक अकाउंट बनाना है आपको, ठीक है, फाइनल अकाउंट के नाम पे, जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन। तो जो एप्रोप्रिएशन है इट विल बी डेबिटेड, इट विल बी सोन, डेबिटेड तो नहीं है, इट विल बी सोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट। थर्ड प्रियोरिटी, कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, जो प्रियोरिटी है वो सबसे पहले हम सेल्स में से, हमारे रेवेन्यू में से जितने भी हमारे चार्ज है वो माइनस करते हैं, यानी इट विल बी क्रिएटेड बिफोर एप्रोप्रिएशन, इट विल बी क्रिएटेड बिफोर एप्रोप्रिएशन, यानी एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स को तब मिलेगा जब फर्म के सारे खर्चे पहले वो पे कर देगी और उसके बाद प्रॉफिट बचेगा तो, राइट। तो इसलिए जो चार्ज है वो बेटा एप्रोप्रिएशन से पहले बनता है, और जो एप्रोप्रिएशन है वो बेटा आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द चार्ज, सारे खर्चे घटाने के बाद जो आपका प्रॉफिट बचेगा उसमें से फिर एप्रोप्रिएशन निकालेंगे, उसमें से उसके फिर उसके बाद हम लोग पार्टनरशिप डीड को फॉलो करेंगे कि किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितनी सैलरी देनी है, एंड हाउ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड लास्ट पॉइंट है बेटा इसका एग्जाम्पल, पार्टनरशिप में जो एग्जाम्पल है, क्योंकि वो पार्टनर से रिलेटेड हम लोगों को करने हैं बेटा, तो पार्टनरशिप डीड में जो चार्ज है, चार्ज के नॉर्मली दो एग्जाम्पल होते हैं, दो में से भी ज्यादातर एक ही मिलता है, वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और बेटा दूसरा जो इसमें एग्जाम्पल है वो रेंट टू पार्टनर भी आता है, अगर आपसे कभी पूछा जाए तो रेंट टू पार्टनर ये चार्ज है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट बांटने से पहले कि भाई कितना कितना प्रॉफिट किस पार्टनर को मिला, उससे पहले आपको जरूरी है कि आप पार्टनर का जो लोन है उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करें, और अगर किसी पार्टनर की कोई फर्म जगह यूज करिए तो उसको पहले रेंट दिया जाए, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके बाद बेटा फिर वो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके जो एग्जाम्पल बेटा वो है सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ट्रांसफर टू रिजर्व, रेमुनरेशन, राइट। तो ऑल दी अबाउट बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। थैंक यू।